सिक्किम के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गंगटोक में मंगलवार को एवलांच हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 150 लोगों के बर्फ में फंसे होने की खबर है। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे गंगटोक को नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जहां पर हादसा हुआ वहां जाने के लिए एक पास जारी होता है। यह पास 13वें मील के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट बिना परमिशन के 15वें मील की ओर चले गए और ये घटना 15वें मील में ही हुई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 साल में 3 बड़े एवलांच हुए हैं। जनवरी में तिब्बत, 2022 में तिब्बत में एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं नवंबर में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा माझिल इलाके में 3 जवान हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। वहीं 2022 फरवरी में अरुणाचल प्रदेश में एवलांच के बाद लापता हुआ सेना के 7 जवानों के शव बरामद हुए थे।